उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी एनबी न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज फिल्म में गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। आज लोकभवन के सभागार में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म अभिनेत्री मानसी छिल्लर भी मौजूद रही। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, जो पूरी फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद रहे। सर, आपने पूरी फिल्म देखी, इस फिल्म को देखकर क्या लग रहा है कि समाज में क्या मैसेज जाएगा? अपनी जो अतीत की जो यादें थी वो ताज़ा होंगी या नहीं? जो अपना अतीत का गौरव था, एक गौरवशाली इतिहास है जो पिछले कई दौरान जिसको विस्मृत कर दिया गया, ना तो पठन से ना दृश्य से उसको कभी दर्शाया गया। जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है तो उस ओर ध्यान दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान सम्राट जो अपने गौरवशाली अतीत को के परिचायक हैं, उस उनको जब जीवंत रूप में यहाँ पर पिक्चर के द्वारा दिखाया गया तो सबके स्फूर्ति आई, मन प्रफुल्लित हुआ है। और समय समय पर जो करतल ध्वनि हुई वो इस बात का प्रतीक था कि पूरा जो दृश्य देख रहे थे वो उससे जुड़ गए थे। माननीय योगी जी की आंखों में भी आंसू थे और यही कारण था कि उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करके आम जनमानस तक पहुंचा दिया है। इसके लिए हम योगी जी को भी बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने फिल्म देखने के बाद ये कहा कि आज के युवाओं को, आज के लोगों को अपने अतीत को भुलाना नहीं चाहिए, अतीत की यादों को जरूर ताज़ा रखना चाहिए जिससे हमारा समाज और आगे बढ़ सके। देखिए, हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर भूत हमारा शानदार था तो वर्तमान को उस अतीत से संवारना होगा और जिससे कि भविष्य हमारा प्रखर हो सके, इसके लिए एक एक, एक पहला कदम और एक बड़ा आवश्यक कदम था ये पृथ्वीराज चौहान। सर, पहले इस तरह की फिल्में नहीं बनती थी, पहले बड़ा अभाव रहता था पूरे बॉलीवुड में कि इतिहास से जोड़कर कोई फिल्म नहीं बनती थी, लेकिन अब इस तरह की फिल्म बन रही है। क्या एक युवा जो भारत के युवा हैं, जो प्रदेश के जो युवा हैं, उनको कोई अच्छा मैसेज जाएगा अपने इतिहास? ये भूख हमेशा से युवाओं की रही, लेकिन पिछले दौरान जो नेता थे, अभिनेता थे, वो एक खास कलेवर में बंधे हुए थे और वो राष्ट्रवादी विचारधारा से दूर थे, इसलिए ऐसी फिल्में नहीं बन सकी। आज युवा में भूख आज भी वही जागृत है, लेकिन आज नेता और अभिनेता दोनों ही राष्ट्रवादी कलेवर में रंगे हुए हैं, इसलिए उन इतिहास के पन्नों को दर्शाया जा रहा है जो कभी हमारे गौरवशाली अतीत रहे थे। अखिलेश यादव ने सर एक चीज़ ये कही है, ट्वीट करके कहा है कि फिल्म ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति है उस पर भी चर्चाएँ होनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी को कुछ अच्छा लगा, ये सुनकर हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि यदि उनको इसको नकारते तो उनको जनता नकार देती और ऐसी बातों को नकारते रहे, इसलिए जनता ने भी उन्हें नकारा था। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने साफ तौर से ये पूरी तरह से ये फिल्म देखी और कहा है इस फिल्म से जो अपने जो अतीत हैं उससे युवा जुड़ेंगे और एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ लखनऊ।